अस्सलाम वालेकुम। रिकरेंस रिलेशन के हमने लास्ट क्वेश्चन डी पार्ट देखा था, अब हम लोग लास्ट पार्ट देखेंगे ई पार्ट। तो इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे हम लोग। एक्स एन इक्वल टू थ्री एक्स एन माइनस वन का, देखें जो टर्मिनेटिंग सिचुएशन है वो ये है कि एक्स वन होगा तो इक्वल टू फोर हो जाएगा वो एक्स हमारा वन है, एक्स वन है तो हम लोग बैकवर्ड सब्स्टिट्यूट करेंगे। एक्स वन क्या होगा, थ्री एक्स एन माइनस टू इक्वेशन वन, इक्वेशन टू तो एक्स एन माइनस टू एन माइनस थ्री इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर थ्री। सो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन टू को इक्वेशन वन में पुट करेंगे। मैं अब आ गया ये तो हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे। एक्स एन थ्री थ्री एक्स एन माइनस टू, अब ये इक्वेशन नंबर फोर बन गई हमारी। इक्वेशन नंबर फोर में हम लोग इक्वेशन नंबर थ्री पुट करेंगे तो थ्री 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 दा ये नाइन हो जाएगा, नाइन एक्स एन माइनस थ्री एक्स जो है वो एन के इक्वल है हमारा। यहाँ पे इक्वेशन थ्री नाइन ज़ा ट्वेंटी सेवन, एक्स एन माइनस थ्री। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो इक्वेशन है थ्री की पावर थ्री है यहाँ पे, एक्स एन माइनस थ्री। हम लोग यहाँ पे रिकरेंस रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं तो एक्स एन जो होगा वो थ्री की पावर के इक्वल होगा और x है n माइनस थ्री है। तो यहाँ पे टर्मिनेटिंग हमारी जो इक्वेशन थी वो ये थी कि x जब वन होगा तो इक्वल टू फोर के इक्वल होगा। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो n है वो इक्वल है n माइनस वन इक्वल टू वन है, एज्यूम कर रहे हैं हम लोग। तो एक्स एन इज इक्वल टू थ्री के एक्स एन माइनस वन माइनस, देखिए यहाँ पे हम लोग ने यहाँ पे भी के लिखना था तो यहाँ पे के लिख देते हैं हम लोग क्योंकि के से इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे भी हमने के लिखना है, वन नहीं लिखना है। एन माइनस वन इज इक्वल टू के है तो के हमारा क्या हो गया, एन माइनस वन के इक्वल हो गया। तो क्या होगा, एक्स एन जो है हमारा थ्री के एक्स एन माइनस एन प्लस वन, एन से एन कट हो गया। एक्स जो है वो एन के इक्वल है, एक्स इक्वल टू थ्री के एक्स वन, जो x होगा हमारा वो n होगा और थ्री के इज इक्वल टू एक्स वन हमारा किसके इक्वल है, फोर के डॉट फोर। जो k है हमारा,
के हमने इक्वल लिया था 3 n माइनस 1 के इक्वल लिया था डॉट 4. दिस इज आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन.